नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 50 एचपी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला 4x4 ट्रैक्टर। इस कैटेगरी में महिंद्रा के अलावा कुबोटा, जॉनडियर, न्यू होलैंड या मेसी ने भी काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा डिमांड में यही ट्रैक्टर रहता है और किसान भाई इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, आपको इस ट्रैक्टर की कीमत और इसके बारे में ऐसे कौन से फीचर है जो अन्य ट्रैक्टर से इसको अलग बताते हैं और किसान भाई इसको सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, उन सभी कारणों के बारे में हम आपको आज डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि इसमें आपको पूरी डिटेल और कीमत पूरी बता दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े आपको यहाँ पर हेडलाइट देखने को मिलते हैं। ये जो हेडलाइट है इसकी शेप आप देख सकते हैं आगे से लेकर साइड तक जाती है, तो नाइट में आप अगर खेत पर काम करते हैं तो लाइट की आपको कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। महिंद्रा का 3D में फ्रंट में लोगो दिया गया है। ट्रैक्टर की हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो ट्रैक्टर पर बैठने के बाद आपको काफ़ी स्पेशल फीलिंग आने वाली है। हैवी ड्यूटी फ्रंट बम्पर के साथ ट्रैक्टर आता है। इसमें हालांकि कंपनी फिटेड बम्पर नहीं आता है, यहाँ पर ये एसेसरी का पार्ट है। फ्रंट एक्सल आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, तो फ्रंट एक्सल में आपको टूट फूट की समस्या नहीं मिलेगी। इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो प्लानेटरी गियर वाला आता है, यानी कि इसमें अन्य जो एक्सल आते हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत आता है। इस ट्रैक्टर में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, इस वजह से काफ़ी भारी भरकम ट्रैक्टर होने के बाद भी आपको इसको घुमाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो अन्य कंपनियां हैं वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देती है तो उसको घुमाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। ट्रैक्टर की ओवरऑल आप डिज़ाइन देखें तो एक आपको अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले ये काफ़ी आपको स्पेशल देखने को मिलता है। इसके स्टिकर आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी के स्टिकर है। ये है महिंद्रा कंपनी का अर्जुन नोवो 605 DIMS। ये ट्रैक्टर DI इंजन के साथ आता है। हाल ही में इस ट्रैक्टर का एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। ये ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में आता है और वो जो ट्रैक्टर है वो लगभग 57 HP की पावर के साथ आता है और उसमें CRDI इंजन आता है, लेकिन जो किसान भाई DI इंजन को ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए यह सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर है। आप इसके टायर साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े टायर है इसमें। फ्रंट टायर आपको इसमें MRF के देखने को मिलते हैं, 9/5/24 के बड़ी साइज़ के टायर है, और पिछले टायर आप देख सकते हैं वो भी MRF कंपनी के 16/9/28 के काफ़ी बड़े टायर इसमें दिए गए हैं। तो टायर के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है, बड़ी साइज़ के टायर हैं, ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, बार बार स्लिपेज की जो समस्या है वो इसमें देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से आपका टाइम भी बचता है और फ्यूल भी बचता है और टायर की घिसाई भी बचती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी बॉक्स लगाया गया है साइड में, काफ़ी हैवी ड्यूटी और बड़ा बैटरी बॉक्स है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको DI इंजन मिलता है। ट्रैक्टर का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। इसको रिलीज़ करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हुक दिया गया है, इसको खींचने के बाद काफ़ी आसानी से ये रिलीज़ हो जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्टार्ट दी गई है, जिसकी सहायता से इसको रिलीज़ करना काफ़ी आसान रहता है, और अगर कभी मेंटेनेंस का काम आता है तो आप काफ़ी कम समय में इसका मेंटेनेंस का काम कर पाएंगे। बात करें इसके एयर फिल्टर की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं महिंद्रा के बोलेरो में जो ड्राई टाइप के एयर क्लीनर आते हैं उसी टाइप का इसमें ड्राई क्लीनर दिया गया है, जो कि क्लोगिंग सेंसर के साथ आता है। अगर इसमें कभी डस्ट वगैरह आ जाती है तो इसका इंडिकेशन डायरेक्ट आपको ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके रेडिएटर की, तो रेडिएटर आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बड़ा रेडिएटर है, और रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको एक्स्ट्रा जाली देखने को मिल जाती है, जिस वजह से डायरेक्ट जो कचरा है वो डायरेक्ट रेडिएटर की जो सतह है उससे नहीं टकराता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा कम आता है। और इसका जो कूलेंट बॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेपरेट कूलेंट बॉक्स दिया गया है, जिस वजह से इसमें आप देख सकते हैं कूलेंट कूल्ड विद रिजर्वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो ट्रैक्टर का जो इंजन है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। इसमें महिंद्रा कंपनी ने 4 सिलेंडर इंजन दिया है, जिससे कि आपको पावर की कहीं भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बॉश कंपनी का इसमें पंप लगाया गया है। बात करें इसके डीजल फिल्टर की, तो आप देख सकते हैं इसमें डबल डीजल फिल्टर लगाए गए हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग की, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट सेपरेट पंप है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलने वाली है। तो इसका जो पावर स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है वो भी बेहतरीन मिलता है, और हाइड्रोलिक का जो सेंस करने की जो कैपेसिटी है वो भी इसमें आपको ज़्यादा मिलती है। बात करें ट्रैक्टर के साइलेंसर की, तो साइलेंसर आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम साइज का इसमें आपको साइलेंसर दिया गया है। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो अगर कभी इस पर गलती से हाथ लग भी जाता है तो हाथ जलने की आपको इसमें समस्या देखने को नहीं मिलती है। बात करें ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक की, तो काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि लोक के साथ आता है। 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है, लगभग 49 HP की पावर जनरेट करता है। क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो 3192 CC का बड़ा इंजन इसमें लगाया गया है,
जो कि 2100 आरपीएम पर काम करता है। इसमें आपको फर्स्ट सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट कूल्ड टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि कूलिंग के लिए है। अब बात करें इसके फोर व्हील ड्राइव शाफ्ट की, तो वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कवर की गई है, और इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें भी आपको टूट फूट की समस्या जो है वो बार बार देखने को नहीं मिलेगी। और शाफ्ट भी इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी शाफ्ट लगा कर दी गई है। यहाँ पर आप एक कॉम्पैक्ट साइज़ का टूल बॉक्स देख सकते हैं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके टूल्स वगैरह है वो इसमें आप रख सकते हैं। बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए इसमें आपको डबल फुट स्टेप दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप काफ़ी आसानी से इस पर चढ़ सकते हैं, और पूरी तरीके से फ्लैट आपको इसमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो जिस वजह से आपको यहाँ पर स्पेस की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इधर आपको हैंडल मिल जाएगा और साइड में यहाँ पर भी आपको हैंडल देखने को मिलेगा, डबल डबल हैंडल दिए गए हैं। अब ओवरऑल आप इसकी डिज़ाइन देखें तो एक बेहतरीन ट्रैक्टर है। रेड कलर और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में इसकी डिज़ाइन की गई है। जो व्हील है वो भी सिल्वर कलर में दिए गए हैं, और इंजन आप देख सकते हैं हल्का ग्रे कलर का है। काफ़ी यूनिक तरीके के इसमें डिज़ाइन है स्टिकर की। स्टिकर काफ़ी आपको इसमें प्रीमियम फील होंगे क्योंकि आपके जो अन्य महिंद्रा के जो ट्रैक्टर आते हैं उसके स्टिकर अलग आते हैं, और इसकी जो स्टिकर है उसकी क्वालिटी की बिल्कुल ही अलग दी गई है। बात करें इसके एयर फ्लो की, तो उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर जालियाँ दी गई है, फ्रंट से लेकर साइड तक जालियाँ जाती है, तो इसमें हवा की कोई कमी नहीं होगी। तो ट्रैक्टर आप कितना भी लंबा चलाएंगे, दिन में 10 से 15 घंटे या 20 घंटे भी चलाएंगे तो भी ट्रैक्टर जल्दी गर्म नहीं होगा। ये ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट में आता है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के बारे में, तो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। प्रीमियम इसमें आपको सीट मिलती है, पूरी तरीके से कंफर्टेबल सीट है, इसको आप वेट और हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन साइज़ में इसको दिया गया है, नहीं ज़्यादा बड़ा है नहीं ज़्यादा छोटा है, इसको मैनेज करना काफ़ी आसान रहेगा। और इसका जो मीटर है वो आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिजिटल मीटर विद इसमें आपको एनालॉग मीटर दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, कंबाइंड में आता है। इसमें आपको ट्रैक्टर कितने घंटे चला है, कितने आरपीएम पर चल रहा है, इसके अलावा बाकी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो इसमें आपको मिल जाएगी। ट्रैक्टर की हेडलाइट से जुड़े स्विच और आपको हॉर्न के स्विच आपको यहीं पर पास में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रैक्टर की जो हैंड रेस्ट है वो दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सिंक्रो शटल का ऑप्शन भी मिलता है, इसमें आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेन गियर लीवर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकेंडरी लीवर, इसमें आपको हाई लो मीडियम का ऑप्शन मिलता है, और ये है मेन लीवर जिसमें आपको 5 गियर टोटल मिल जाते हैं, यानी कि इसमें हाई लो मीडियम करके टोटल इसमें आपको 15 गियर मिलते हैं। बात करें के पेडल की, तो आप देख सकते हैं इसमें सस्पेंडेड टाइप के पेडल दिए गए हैं, मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स दी गई है, यहाँ पर आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रैक्टर की जो पार्किंग ब्रेक है उसका लीवर आपको यहाँ पर पास में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके हाइड्रोलिक की, तो इसमें ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है जिसमें आपको PCDC लीवर दोनों देखने को मिलेंगे। कंपनी फिटेड आपको इसमें डबल ऑक्सिलरी वाल्व दिए गए हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए यहीं पर पास में लीवर दिया गया है। फेंडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत फेंडर दिए गए हैं, और काफ़ी चौड़े फेंडर है। इसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले काफ़ी बड़े फेंडर हैं, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बात करें इसके PTO की, तो इसमें आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों PTO मिलती है, 540 RPM की स्टैंडर्ड PTO मिल जाती है, और PTO के लिए इसमें आपको इंडिपेंडेंट लीवर देखने को मिलता है जो कि क्लच के लिए है, तो इसमें ड्यूअल क्लच नहीं आता, इसमें डबल क्लच आता है, प्रॉपर डबल क्लच दिया गया है। यह ट्रैक्टर का मेन क्लच है और यह PTO का इंडिपेंडेंट अलग से क्लच दिया गया है, तो ड्यूअल क्लच के मुकाबले ये काफ़ी बेहतरीन रहता है, और इस पर आपको ज़्यादा जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी नहीं आता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया है जिस वजह से ट्रैक्टर अगर कभी कीचड़ में फंस जाता है तो डिफरेंशियल लॉक की सहायता से जो पहिए हैं वो सभी एक साथ काम करते हैं और काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। यहीं पर पास में आपको ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिलेगा, और फोर व्हील ड्राइव को इंगेज करने के लिए अलग से यहाँ पर लीवर दिया गया है। अब बात करें ट्रैक्टर के बैक पोर्शन की, तो पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं इसमें भी आपको प्लानेटरी टाइप का गियर दिया गया है, और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें आपको रियर एक्सल मिल जाता है, तो रियर एक्सल में भी आपको टूट फूट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हेवी लिफ्ट कैपेसिटी वाली आपको इसमें हाइड्रोलिक मिलती है, यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी वाल्व मिलते हैं, ट्रॉली को ऊपर नीचे करने के लिए आपको अलग से यहाँ पर एक और वाल्व मिल जाएगा। इसके अलावा जो लिफ्ट है वो इसमें मेटा की लिफ्ट दी गई है, तो मेटा की लिफ्ट अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। PTO की बात करें तो 540 RPM की स्टैंडर्ड PTO और रिवर्स PTO मिलती है, और PTO के पावर की बात करें तो लगभग 44 HP की इसमें आपको शानदार PTO पावर मिल जाती है। ओवरऑल आप इस ट्रैक्टर की जो बैक पोर्शन इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, हेवी ड्यूटी है,
सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग लाइट दी गई है जो कि काफ़ी बड़ी लाइट है, तो नाइट में काम करते वक्त अच्छा आपको यहाँ पर थ्रो आउट मिलेगा। बैक पोर्शन में देखें तो यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर तीनों एक साथ कंबाइंड में मिलते हैं जो कि ट्रैक्टर के लुक को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। इसके अलावा बात करें इसके पीटीओ की तो स्लिप टो टाइप की पीटीओ है, 2200 केजी की हेवी लिफ्ट कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है। और जो थ्री पॉइंट लिंकेज है वो हाई प्रिसिशन टाइप की, इसमें आपको थ्री पॉइंट लिंकेज मिल जाती है। 44.3 HP की शानदार पीटीओ पावर भी मिल जाती है। बात करें इसके व्हील बेस की तो 3660 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया है। बात करें इसके व्हील बेस की तो लगभग 2175 mm का व्हील बेस है और ट्रैक्टर की जो टोटल लंबाई है वो 3660 mm दी गई है। कंपनी इस पर 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी प्रोवाइड करवाती है, तो कभी भी कुछ समस्या आ जाए तो आप डायरेक्ट कंपनी से या आपके जो भी डीलरशिप है उनसे संपर्क करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अब आखिर में बात करें इस ट्रैक्टर की अनुमानित कीमत की, तो हर एरिया में या हर डीलरशिप पर कीमत अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर एरिया के हिसाब से कीमतें तय होती है। लगभग अनुमानित कीमत की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 9 लाख से लेकर 9.5 लाख के बीच में हो सकती है। तो किसान भाई, उम्मीद है कि ये ट्रैक्टर आपको पसंद आया होगा। इस ट्रैक्टर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।